नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स UPSSF के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों 13 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के अनुसार एक विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है। इसमें विशेष परिस्थितियों में बिना वारंट गिरफ्तार करने और बिना वारंट तलाशी लेने का अधिकार भी शामिल है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि UPSSF का नेतृत्व के लिए ADG स्तर के IPS को इस बल का मुखिया नियुक्त किया जाएगा। इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। शुरुआत में UPSSF यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के लिए 5 बटालियनों का गठन किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव के अनुसार यानी कि अवनीश अवस्थी के अनुसार UPSSF को राज्य के DGP से मंजूरी मिली है। इस बल को मेट्रो रेल, हवाई अड्डों, औद्योगिक संस्थानों, अदालतों, धार्मिक स्थानों, बैंकों, वित्तीय संस्थाएं और अन्य स्थानों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि निजी औद्योगिक प्रतिष्ठान भी निर्धारित शुल्क जमा करके इस बल की सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे। बल के सदस्य हमेशा ड्यूटी पर माने जाएंगे और प्रदेश के अंदर किसी स्थान पर किसी भी समय तैनाती किए जाने के योग्य होंगे। पहले चरण में अवनीश अवस्थी के अनुसार 9,919 कर्मियों को 3 महीने के भीतर बल के साथ तैनात किया जाएगा, जिसके बाद 1,913 पद सृजित किए जाएंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की तर्ज पर बल का गठन किया जा रहा है। यूपी सरकार के अनुसार बाल बटालियों को शुरू में 1,747.06 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यानी कि UPSSF की शक्तियां क्या हैं। खोजों का संचालन करने या गिरफ्तारी करने के लिए इसे मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट की आवश्यकता नहीं होगी, यानी विशेष परिस्थितियों में बल को बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति होगी। इन विशेष परिस्थितियों में बल का कोई सदस्य किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना तथा किसी वारंट के बिना ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। शक्तियाँ राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के एक समूह द्वारा शासित होंगी। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि UPSSF इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों के आधार पर स्थापित करेगा और दिसंबर 2019 में उसने बिजनौर और मुजफ्फरनगर की अदालतों में गोलीबारी की घटनाओं को लेकर सिविल अदालतों में सुरक्षा पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। अदालत ने राज्य सरकार को अदालत के परिसर में सुरक्षा के लिए एक विशेष बल उत्पन्न करने का निर्देश भी दिया था। 26 जून 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बल के गठन की घोषणा की, जिसे राज्य मंत्रिमंडल को ने पारित किया। आइए अब ये जानते हैं कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल क्या है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 एक केंद्रीय सशस्त्र बल है, जिसे संघ ने संसद के अधिनियम के तहत बनाया। यह सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। यह औद्योगिक इकाइयों, सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं और पूरे भारत में स्थित सुविधाओं और प्रतिष्ठानों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। भारत में अन्य केंद्रीय सशस्त्र बलों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
NSG और असम राइफल्स यानी कि AR जो है वो शामिल हैं। तो दोस्तों ये था उत्तर प्रदेश की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स UPSSF के बारे में। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा,